हेलो बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो ऑब्वियसली यार, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेस बिल्डिंग के ऊपर। डेफिनेटली यार, हमें ये कमेंट मिला था दिनेश भाई से कि बेस बिल्डिंग के ऊपर वीडियो डालो। तो ऑब्वियसली यार, मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में सजेस्ट किया था कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए इस गेम के ऊपर, तो ऑब्वियसली यार मुझे कमेंट करो, को जिस टाइप की वीडियो चाहिए वो वीडियो मैं बना दूंगा। दो हफ्ते पहले मुझे एक और कमेंट आई थी तिथि जाना भाई की, ओके। तो उसने कहा था कि रेड कौन से लेवल में करना चाहिए, तो ऑब्वियसली रेड कौन से लेवल पे करना चाहिए और बेस बिल्डिंग, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्स अपग्रेड करना अपना वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, अगर हम कॉमन चीज़ कहें तो ऑब्वियसली हम ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। अगर हम बेस बिल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आती है कि आपको किस टाइप का बेस बनाना है। अगर आप जोम्बी हर्डे से बचने के लिए बेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप रेड से बचने के लिए बेस बनाना चाहते हो तो वो भी डिफरेंट है। एक और बात गाइस आपको बता दूं कि जोम्बी का जो हर्डे हमारे बेस पे अटैक करता है वो हर दिन करता है। एवरी डे एक बार जोम्बी का हर्डे हमारे बेस पे अटैक करता है। और अगर आपके बेस में लेवल 1 या लेवल 2 के वॉल्स है जो पूरे आउटसाइड में है, तो डेफिनेटली जोम्बी हर्डे का वॉल अगर उस साइड से आता है तो वो वाला वॉल डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे कि यार, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो यार, इस साइड में जो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्लियर किया हुआ ये वाला पार्ट, ओके। तो ये वाला पार्ट जोम्बी हर्डे की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पूरे वॉल्स बना के रखे थे लेकिन जोम्बी हर्डे की वजह से वो वॉल्स उतना डिस्ट्रॉय हो गया एंड मुझे वो फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि यार वो लेवल 1 के वॉल थे। तो अगर हम जोम्बी हर्डे की बात करते हैं तो आपको जोम्बी हर्डे को अवॉइड करने के लिए लेवल 3 का पूरा बेस बनाना पड़ेगा। मतलब जो आउटसाइड की वॉल्स है एटलीस्ट उनको लेवल 3 का बनाना पड़ेगा। अगर आपको आउटसाइड के सब वॉल लेवल 3 के बन गए। और अगर हम बात करते हैं स्पाइक ट्रैप की, तो बहुत सारे बंदे आपको सजेस्ट करेंगे कि स्पाइक ट्रैप लगाओ, बट मेरा सजेशन ये है कि यार स्पाइक ट्रैप मत लगाओ, कोई पॉइंट नहीं है। मैंने भी एक बार स्पाइक ट्रैप लगाया था। स्पाइक ट्रैक का इशू एक ही है कि वो बन तो जाते हैं, ओके, लेकिन लाइक यू नो, कुछ जोम्बीज टकराने के बाद वो स्पाइक ट्रैक टूट जाते हैं, ओके, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। एक जोम्बी हर्डे में ही जिस साइड से जोम्बी हर्डे का अटैक हुआ था उसी साइड से स्पाइक ट्रैक टूट जाते हैं। सो ऑब्वियसली मेरा सजेशन, देखो यार, एक स्पाइक ट्रैक बनाने के लिए हमें 10 लकड़ियाँ चाहिए एंड लिटरली अगर एक जोम्बी हर्डे में अगर तुम्हारे 2 या 3 स्पाइक ट्रैक टूट रहे हैं तो ऑब्वियसली तुम्हें लिटरली 30 या 40, 3 या 4, मतलब जितने भी स्पाइक ट्रैप फिर से बनाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली ये लाइक मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैं बहुत सारा वुड वहाँ वेस्ट हो गया था एंड उसी की वजह से, उससे अच्छा है यार कि लेयर्स बना लो। एक वॉल बनाने के लिए वैसे भी एक ही वुड चाहिए, तो लेयर्स बना के अपने बेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और जोम्बी हर्डे का एक पॉजिटिव पॉइंट तो आपको बता दिया कि वो लेवल 3 के वॉल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर आपने पूरे बेस में लेवल 3 का वॉल बना लिया तो ऑब्वियसली वो आपके बेस में एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये सब बातें हो गई गाइस जोम्बी हर्डे के बारे में, जो भी चीज़ें थी। अगर बेस बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो जोम्बी हर्डे ही एक ऐसे है जो आके हमारा बेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो भी वॉल हम लगाएंगे वो सब वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी बात अगर हम नहीं करें तो दूसरी जो बात है वो है रेडर्स की। तो जो लेयर्स है, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि देखो यार, बहुत बार अगर कोई रेडर आपके बेस पे अटैक करता है तो रेडर और रियल प्लेयर हमारे बेस पे अटैक नहीं कर सकते। जो AI प्लेयर्स होते हैं, जो बोट्स होते हैं, वही बस हमारे बेस पे अटैक कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, अभी जब भी यार मेरे बेस पे अटैक होता है तो क्या होता है, लाइक यू नो, देखो यार, कंसिडर करो कि वो बंदा आया, ओके, आपको पता है अगर जब भी हम रेड को जाते हैं हमें अंदर का कुछ दिखता नहीं है, अगर वॉल से पूरा बेस ढका हुआ है तो ऑब्वियसली अंदर की चीज़ें हम नहीं देख सकते जब तक हम कोई वॉल डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो होता क्या है, लाइक लिटरली अगर वो रेडर किसी साइड से एंटर करने का, लेट कंसिडर करो कि गाइस वो रेडर ने इस साइड से एंटर किया, ओके, उससे क्या होता है, वो आगे आगे थोड़ा सा आगे जाता है, ओके, लेकिन उससे कोई चेस्ट वगैरह या फिर कुछ नहीं दिखता, तो वहीं से पीछे आ जाता है और दूसरे साइड से आगे जाता है, ओके। या अगर उसका लक अच्छा हुआ तो वो अंदर तक चला जाता है, लेकिन अगर वो अनलकी हुआ तो ऑब्वियसली वो मेरे बेस के अंदर तक भी नहीं आ पाता। एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ बाहर कुछ ऐसी चेस्ट लगा के रखी है, लिटरली आप यहाँ देख सकते हो, 4 मैंने ऐसी चेस्ट लगा के रखी है। अभी हमें पता है यार, जब भी कोई बंदा रेड करने आता है या फिर हम कहीं भी रेड करने जाते हैं, तो जैसे ही हम किसी चेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे
वैसे ही नॉइज क्रिएट होगा। और वो ऐसे कंडीशन पे हमें आपके पास जितनी भी खाली चेस्ट है, देखो आपका अगर बहुत ही छोटा सा बेस है, लाइक आपने लाइक अभी तक 10 या 15 ही चेस्ट आपने पहले से ही लगा के रखे हैं, तो मेरा सजेशन ये कि आप हम एक्चुअली 40 चेस्ट लगा सकते हैं, 40 ओके ये नंबर है, उससे ज़्यादा चेस्ट हम नहीं लगा सकते ओके। तो अगर आपके पास कोई चेस्ट खाली रह जाती है ओके, तो वो खाली चेस्ट आप बाहर लगा दो ओके, पूरी खाली चेस्ट खाली रहने दो, उसे बाहर लगा दो। देखो यार, जो बोर्ड्स आता है, जो एआई प्लेयर्स आता है, उसे जो भी चेस्ट पहला मिलेगा वो उस चेस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। डजंट मैटर कि वो चेस्ट बाहर रखा है, अंदर रखा है, कैसे रखा है। या मेरा सजेशन, देखो यार मैंने इन चार चेस्ट को पूरा खुला करके रख दिया है, लाइक लिटरली कोई भी आके इस चेस्ट को तोड़ के चला जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इस चेस्ट में कुछ भी सामान नहीं रखा है। वो इस चेस्ट को जैसे ही डिस्ट्रॉय करेगा, जस्ट नॉइस क्रिएट होगा एंड और कुछ भी नहीं होगा। सो ऑब्वियसली जितने भी खाली चेस्ट आपके पास पड़े हुए उनको बाहर रख दो। उससे क्या होगा, अगर कोई एआई बंदा आपके बेस पे अटैक करने आता ही है, तो उसका बहुत सारा साउंड जो है वो इसी से क्रिएट हो जाएगा। एंड बहुत सारे अगर आपने पास अगर आपने लेयर्स बना के रखे हैं, तो उसमें भी उसका बहुत सारा नॉइस वेस्ट हो जाएगा, वो अपने बेस के अंदर तक जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये देखो यार, बहुत सारे रेडर्स जो होते हैं एआई प्लेयर्स, उनके पास भी C4 होता है, वो भी लेवल 3 के वॉल्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ओके। ये बात सच है कि रेडर्स जो एआई प्लेयर्स होते हैं, वो भी लेवल 3 का वॉल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अगर पहले से ही बहुत सारा नॉइस कर लिया, क्योंकि आज तक या आज तक मैंने ये जो लेवल 3 का 3x3 का या ये जो भी लेयर बनाए हैं लेवल 3 के 3, इनके अंदर तक आज तक कोई भी नहीं जा पाया। मैंने आज तक बहुत सारी रेड की है एंड बहुत सारे रेड पे गए, मेरे पे बहुत सारे रेड हुए हैं, बट लिटरली इस बेस के अंदर आज तक कोई नहीं जा पाया, क्योंकि मैंने बाहर से ही इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है इस बेस को। एंड ये गाइस मेरी स्ट्रेटेजी है बेस बनाने की। मैंने क्या किया था, ये जो मिडल का जो लेवल 3 का लेवल 3 वॉल का ये जो छोटा सा है 1x1 का जो रूम है, ये सबसे पहले बनाया था। उसके बाद मैंने ये 3x3 का रूम बनाया, उसके बाद ये 5x5 का रूम बनाया था, 5 है ना, या 5x5 का रूम बनाया था। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आज तक तो मेरे बेस में कोई भी नहीं जा पाया है। एंड मेरे सजेशन से अगर आप खेलो तो, क्योंकि देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप देखो लेवल 4 की वॉल की अगर हम बात करते हैं, स्टील वॉल ओके, तो स्टील वॉल बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे कि ये देखो, हमें चाहिए 20 स्टील प्लेट्स एंड 15 एल्यूमिनियम प्लेट्स, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 20 स्टील प्लेट्स कहाँ से लाएंगे। स्टील प्लेट्स वॉज लाइक सो मच एक्सपेंसिव थिंग, एंड अगर आप बहुत दिनों से इस गेम को खेल रहे हैं तो आपको पता होगा यार कि स्टील प्लेट्स कमाना कितना मुश्किल होता है। रेड क्रेट में भी नहीं मिलते यार स्टील प्लेट्स, बहुत ही रेयरली 4th फ्लोर में कभी कभार मिल जाता है। तो ऑब्वियसली स्टील प्लेट्स कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। एंड लेवल 4 का जो बंकर है वो लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेवल 4 का बंकर मतलब लेवल 4 के वॉल्स का 2x2 का रूम ओके, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार लेवल 4 का बंकर बनाना। देखो यार, हमें यहाँ मेटल रूम मिल रहा है 3x3 का, तो ये है बिल्ड बंकर, मतलब एटलीस्ट 380 के आसपास स्टील प्लेट्स चाहिए। मैं एटलीस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि यार देखो यार, इस वाले 3x3 के रूम में बस हमें एक ही डोर मिलेगा और एक ही विंडो मिलेगी। तो यार मेटल जूम का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार मेटल जूम को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मेटल जूम डिस्ट्रॉय करने के लिए जॉम्बी हर्डे जो है, जो मेटल जूम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ऑब्वियसली जॉम्बी हर्डे लेवल 3 का वॉल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये तो लेवल 4 का है। अगर हम बात करते हैं रेडर्स की, तो रेडर्स भी लेवल 4 का वॉल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो भी एक्चुअली लेवल 4 का वॉल डिस्ट्रॉय करके आपके बेस में अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली अगर आपके पास लेवल 4 का ये 3x3 का बंकर है, तो आपका बेस टोटली 100% सेफ है। अगर हम बात करते हैं इसको बिल्डअप करने के, तो इसको बिल्डअप करने के लिए हमें बहुत सारा ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए, जो लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे बंदों ने बिल्डअप कर लिया है, बहुत सारे बंदों ने यहाँ से खरीद लिया है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर लास्ट क्रिसमस में यार एक ऑफ़र आई थी, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है वो ऑफ़र आई थी इसके ऊपर थी या दूसरी चीज़ के ऊपर थी, लेकिन आई थिंक लास्ट क्रिसमस में एक ऑफ़र आई थी, जिस ऑफ़र में हमें ये मेटल जूम 1000 रुपये में मिल रहा था। तो आई थिंक शायद वहीं से बहुत सारे लोग बंदों ने खरीद लिया था। तो आपको खरीदना है तो यार किसी ऑफ़र का वेट करो, या फिर मेटल जूम को बनाना कोई इतनी ईजी बात नहीं है। तो गाइस जैसे कि हमने देखा है कि अभी मैंने सब
टॉपिक क्लियर कर लिया है। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई चीज़ छूट गई है या इसके बारे में मैंने नहीं बताया, तो वैसा है मुझे कमेंट करके बताओ। या जब भी यार मेरी वीडियो पे कमेंट आती है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार लोग एटलीस्ट कमेंट तो कर रहे हैं। मेरे लिए गाइस ये बहुत बड़ी बात है जब मेरे वीडियो पे कोई कमेंट आती है। जब भी यार कोई बंदा कोई रिक्वेस्ट करता है कि भाई इस टॉपिक की वीडियो बना, तो अब भी यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली गाइस मैं पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी वही बताऊँगा। अगर आपको इस गेम के बारे में किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट करो, मैं डेफिनेटली अपनी 100% कमेंट पढ़ता हूँ। और डेफिनेटली यार मैं अगर अपनी 100% कमेंट्स पढ़ता हूँ तो डेफिनेटली मैं आप जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने के लिए कहोगे वे उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस गेम के बारे में तो डेफिनेटली यार लाइक शेयर एंड कमेंट करो यार, मैं डेफिनेटली आप जिस टॉपिक पे कहेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो यार, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। मैं और भी बहुत सारी नई नई वीडियो बनाता हूँ, जितने ही कमेंट्स मुझे आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यार जब भी आप लोग यार मेरी वीडियो को लाइक करते हो या आप लोग जब भी यार मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो। तो भाई अभी मुझे भी जाना है एक नई वीडियो बनाने के लिए किसी अलग टॉपिक पे, किसी दूसरे टॉपिक पे। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।